कोरोना संकट के बीच रोजगार गंवा चुके प्रदेश के युवाओं के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार की नई उम्मीदें दिखाने के लिए आकांक्षा आर गौतम को जिला मुख्यालय में दी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि आकांक्षा आर गौतम गुरु आनंद देव वेटनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना में मत्स्य पालन विषय में अध्ययन कर रही है। इसी कड़ी में आकांक्षा ने पिछले 5 महीनों से मत्स्य पालकों व मछुआरों को पेश आ रही समस्याओं को जानने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं पर गहन अध्ययन किया है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आकांक्षा आर गौतम ने मत्स्य अधिकारियों व मत्स्य पालकों व मछुआरों के साथ किए गए संवाद के तहत सामने आए अनुभवों को लेकर एक प्रोजेक्ट बना रही है जिसे राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। आकांक्षा गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार मत्स्य विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को मछली पालकों को सीधा दिलाने के लिए वह सेतु बनेगी। प्रदेश के नवनियुक्त वन एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बिलासपुर के सर्किट हाउस में बातचीत करते हुए बताया कि जंगलों के जरिए रोजगार के साधन विकसित किए जाएंगे। पठानिया मंत्रालय मिलने के बाद शिमला से अपने गृह क्षेत्र नूरपुर जा रहे थे और सर्किट हाउस में कुछ समय के लिए रुके, जहां उन्होंने बिलासपुर के नेताओं व कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। अनौपचारिक बातचीत में पठानिया ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 66% एरिया जंगलों के अधीन आता है और जंगल हमारे लिए बेशकीमती हैं, जिनके जरिए ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जुटाया जा सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग की जाएगी। वन विभाग के अधीन जो प्रोजेक्ट बिलासपुर, पोंटा साहिब, नूरपुर इत्यादि जंगलों पर चल रहे हैं, उनके जरिए भी ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। राकेश पठानिया के अनुसार जंगलों में खैर और चीड़ के पेड़ आमदनी का एक बड़ा सोर्स है। खैर और चीड़ को कैश क्रॉप बनाया जा सकता है। हालांकि इस बाबत एक प्लान तैयार करवाया जाएगा जिसके तहत बेरोजगार युवाओं के लिए घर द्वार पर ही स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वनों को रोजगार का एक उत्तम जरिया बनाया जाएगा जिसके लिए सुनियोजित तरीके से योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी ताकि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की जाएगी। युवाओं के लिए ये पॉलिसी लाई जा रही है जिसके जरिए युवाओं को लाभ मिलेगा। ज्वालामुखी उपमंडल की पंचायत दिरीन के गांव चौकी व सिल्हा पंचायत के गांव मोराड में 2 पॉजिटिव सेना के जवानों के घरों में प्रशासन ज्वालामुखी निरीक्षण व पूछताछ के लिए पहुंचा। गत दिवस इन दोनों गांवों में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। ये दोनों आर्मी जवान हैं और इनकी ट्रेवल हिस्ट्री लेह की है। ज्वालामुखी तहसीलदार जगदीश शर्मा व पंचायत सचिव उदय सिंह, प्रधान आशा वर्कर आदि इनके घरों में पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वो आसपास व क्षेत्र व घर में सैनिटाइज भी करवाया गया। परिजनों से जानकारी ली गई कि जवान घरों से बाहर किससे मिले या इनसे कौन कौन मिलने आया, जबकि परिजनों ने मना किया कि दोनों होम क्वारंटीन थे और कोई मिलने नहीं आया। फिलहाल दोनों सेना के जवानों को शिफ्ट कर दिया गया है और उनके प्राथमिक संपर्क में आए लोगों को भी होम क्वारंटीन किया गया है। तहसीलदार जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जवानों के घरों के आसपास का क्षेत्र सैनिटाइज करवाया गया और उनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट में आए लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। इन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। फिलहाल उनके क्षेत्र की एक सोसाइटी डिपो को भी एहतियात के तौर पर सैनिटाइज कर बंद करवाया गया है। गौरतलब है कि एक 21 वर्षीय जवान चौकी से है जिसकी 21 जुलाई की ट्रेवल हिस्ट्री लेह की है, जबकि दूसरा जवान 31 वर्षीय है जो कि गांव मोराड सिल का रहने वाला है और इसकी ट्रेवल हिस्ट्री 18 जुलाई की लेह से है। इन दोनों में 21 वर्षीय जवान को योर में शिफ्ट किया गया जबकि दूसरे 31 वर्षीय जवान को डाड में शिफ्ट किया गया।